काइज काइट काइज वेलकम टू केल्विन। अब भाई साहब, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी चीज में जिसको नाम है सिलेबस। सिलेबस सिलेबस सिलेबस, लोग पागल हो रहे हैं भैया। सिलेबस क्या आने वाला सर, 10वीं तो पास हो गई सर, अब सिलेबस क्या है सर, हम परेशान हैं सर, हमारी जिंदगी में दुखी दुखे दुखी होने के बाद हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो क्या गम है, वही वाला हिसाब किताब यहाँ पर है भाई। सीधी बात है, आपके लिए आए हैं हम सिलेबस कि भाई आप जब 10वीं से 11वीं मूव करेंगे तो आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना। आज हम इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश के सिलेबस की जो आपका होने वाला है 2022 से, ठीक है, 2023 का जो सेशन चलने वाला है आपका एकेडमिक सेशन, 2022-2023 एकेडमिक सेशन का जो सिलेबस है वो आपके सामने है, ठीक है, क्लास 11th का इंग्लिश का, ठीक है। तो इस बार कुछ चीज़ें नई देखने को मिलेंगी आपको इंग्लिश के अंदर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो राइटिंग सेक्शन है वो बिल्कुल ही एक नए तौर तरीके से आएगा, क्योंकि ग्रामर आती नहीं है, कम आती है ग्रामर, और ना ही आती जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है, नहीं आती, ठीक है। और पूरा सिलेबस का आप एक ओवरव्यू लेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसी कैसी चीज़ें करनी है, क्योंकि हर एक चीज़ नई होने वाली है। अब जब नई चीज़ है तो उसको समझने में टाइम लगेगा, उसकी प्रैक्टिस में टाइम लगेगा, और अगर आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें तो मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि कुछ होते हैं गुमसान से जो प्रैक्टिस ही दिसंबर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो व्यक्ति दिसंबर में स्टार्ट कर रहा है उससे कहो कि आप एक नोट मेकिंग कर लो, आपको क्या नोट मेकिंग सर, नोट बनाने हैं क्या, नोट बनाना भारत में तो इलीगल। अबे वो नोट नहीं कह रहा, नोट्स, दोनों चीजों में फर्क है। तो गुमसान होके ना घूमें आप, इसलिए हम आए हैं आपके लिए, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आपके इंग्लिश का सिलेबस क्लास 11th के हिसाब से, ठीक है। देखो भाई, हम सेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि आपका जो सेक्शन है वो क्या आ रहा है। सेक्शन ए जो है वो रीडिंग स्किल का है, सबसे पहला सेक्शन, ठीक है, जो 18 मार्क्स का होने वाला है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेजेस, ठीक है। पहला है अनसीन पैसेज टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, सबसे पहले एक अनसीन पैसेज है, ठीक है। फिर अनसीन सेकेंड है अनसीन पैसेज केस बेस्ड पे आ गया, जो वर्बल और विजुअल इनपुट्स के साथ आ गया, ठीक है। दोनों कंबाइंड की जो वर्ड लिमिट होगी, ठीक है, वो होगी आपकी 600 से 750, इन 600 से 750 वर्ड लिमिट का एक मतलब आएंगे आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। फिर आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, क्लियर। अब आता है थर्ड नोट मेकिंग, क्या आता है नोट मेकिंग। अब सर नोट मेकिंग क्या है बेटा, आपको एक पैराग्राफ लिख के दिया जाता है, ठीक है, आप उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप उसके अंदर से नोट्स बनाते हैं, ठीक है। आप ये दे रखा है किस तरीके से, ठीक है, जो नोट मेकिंग है, जो समराइजेशन है उस पैसेज की, वो 200 से 250 वर्ड्स में होनी चाहिए, इसलिए पहली कंडीशन लगा दी। आप नोट मेकिंग के अंदर सबसे पहले टाइटल होना चाहिए जिसका एक नंबर है, नंबरिंग होनी चाहिए एक नंबर, की और ग्लॉसरी होनी चाहिए एक नंबर, नोट्स होने चाहिए जिसके दो नंबर, जो समरी होगी उसमें कंटेंट और एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसके दो और एक एक नंबर है, ठीक है। अप टू 50 वर्ड, यानी 50 वर्ड्स तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अप टू फिफ्टी तक होना चाहिए बस। यानी इस तरीके से आपकी मार्किंग होगी, यानी 8 नंबर का ये हो गया, ठीक है, समझ लो, 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर की आपकी नोट मेकिंग हो गई समराइजेशन के साथ, ठीक है। और ये सबके लिए नया होने वाला है, क्योंकि आपने आज तक ऐसा काम किया नहीं है। आप कहेंगे नहीं सर हमने नोट्स बनाए, लेकिन ये जो नोट मेकिंग है थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइटल भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, ग्लॉसरीज भी लिखनी पड़ेंगी, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। टाइटल होगा जिस तरीके, इस तरीके से मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, मान के देखो बच्चा एक पैराग्राफ आया तेरे लिए, ठीक है, लिखा हुआ है पैराग्राफ। अब आपको क्या करना है, पहले तो इसकी हेडिंग डालोगे, एक हेडिंग डालने के बाद एक मेन हेडिंग आएगी इसकी, ठीक है, फिर एक सब हेडिंग, फिर इसके पॉइंट्स, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। मेन हेडिंग हो गई, सब हेडिंग्स हो गई, ठीक है, बहुत बार सब हेडिंग्स नहीं आती तो मेन हेडिंग के अकॉर्डिंग पॉइंट लिखे रहेंगे। लेकिन ये सब करने के लिए आपको कमांड होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज पे, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ पाए, समझ पाए, तब जाके आप नोट मेकिंग कर पाएंगे, उससे पहले आप नोट मेकिंग नहीं कर पाएंगे। तो यानी जो 10th में जो चीज़ से आप बच रहे थे, अब वो 11th पे आएगी, समझ रहे हो बात को, समझ रहे, समझ रहे। तो यानी आपके लिए 11th थोड़ी सी टफ होने वाली है, थोड़ी सी टफ होने वाली है इस मामले में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सेक्शन बी आ जाता है। देखो गैप फिलिंग है, ग्रामर है, गैप फिलिंग है, कम आई है, ऑर्डर रीऑर्डरिंग ऑफ ट्रांसफर मतलब सेंटेंसेस है, टोटल 7 क्वेश्चन टू बी डन आउट ऑफ द 8 गिवन, 8 क्वेश्चन देंगे उसमें से 7 करने और 7 मार्क्स की ग्रामर आएगी, ठीक है। टेंस और क्लॉज आएंगे और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज आएंगी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होगी, ठीक है।
ये आपको करना है, ये 7 मार्क्स की आएगी, ठीक है, ये भी 7 मार्क्स की आपकी आने वाली है। लेकिन 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 क्रिएटिव राइटिंग स्किल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है इस बार, ठीक है, 16 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की? 16 मार्क्स की, समझ रहे हो बात को? 16 मार्क्स की क्रिएटिव राइटिंग स्किल है। इसमें शॉर्ट राइटिंग टास्क आया, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आ सकती है 50 वर्ड्स की, ठीक है, आउट ऑफ द टू गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, ठीक है, ठीक है, वन आउट ऑफ द टू, मैंने एक देना, चाहे तो शॉर्ट राइटिंग टास्क, चाहे एडवर्टीजमेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, दो क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक करना है। फॉर्मेट का 1 नंबर है, कंटेंट का 1 नंबर है, एक्सप्रेशन का 1 नंबर है, और 3 मार्क्स का ही आएगा, यानी आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो 3 मार्क्स की आएगी। एडवर्टीजमेंट सेम वैसी ही है जैसी आपकी 10th क्लास में हिंदी में आई थी, ठीक है। फिर शॉर्ट राइटिंग आ गई सेकेंड टास्क है, पोस्टर 50 वर्ड्स में पोस्टर बनाने हैं, ठीक है, अप टू 50 वर्ड्स पोस्टर बना लो, ठीक है, क्वेश्चंस टू बी आंसर, ठीक है, कोई भी एक करना है इसमें से, 3 मार्क्स का यही है, ठीक है, फॉर्मेट का 1 नंबर, कंटेंट का 1 नंबर, एक्सप्रेशन का 1 नंबर सेम, ठीक है। शॉर्ट राइटिंग टास्क के अंदर क्या है, पोस्टर, पोस्टर मेकिंग भी आ जाती है, ठीक है, पोस्टर आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट आ जाएगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, राइटिंग अ स्पीच इन 120 to 150 वर्ड्स, ठीक है, स्पीच आ गई, स्पीच आ गई आपकी, ठीक है, स्पीच, अब सर स्पीच कैसे लिखेंगे भाई? स्पीच का भी एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर विजुअल क्यूज हो गए, वर्बल्स चीज़ें हो गई, एज अप्रोप्रिएट टॉपिक होता है, और मतलब कंटेम्प्रेरी टॉपिक देते हैं, एज अप्रोप्रिएट देते हैं, जैसे कंटेम्प्रेरी में चल रहा होगा, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर दे दिया आपको, कोविड दे दिया, ठीक है, कोरोना दे दिया, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आसपास, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दे दिया, या एज अप्रोप्रिएट को भी, ओबेसिटी दे दी, डायबिटीज़ दे दी, ठीक है, इस तरीके से चलता है। इस तरीके से आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपको उसके ऊपर स्पीच लिखनी पड़ती है कि भाई हम क्या स्पीच देंगे। फिर उसके बाद आती है डिबेट, ठीक है, डिबेट वही वाद विवाद, यानी एक पक्ष में होगा, एक फेवर में होगा, एक अगेंस्ट में होगा, इन दोनों के अंदर क्लैश चलता रहेगा। एक डिबेट लिखनी है, विजुअल और वर्बल इनपुट्स दिए जाएंगे, थीम शुड बी कंटेम्प्रेरी, कोई भी कंटेम्प्रेरी, या टॉपिक टॉपिकल इशू दिया जाएगा, कोई भी एक क्वेश्चन करना है, 5 मार्क्स का होगा, 1 नंबर का, 1 नंबर मिलेगा फॉर्मेट का, 2 नंबर कंटेंट के, एक्सप्रेशन के 2 नंबर के, यानी कितने अच्छे तरीके से आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, क्लियर। तो इस तरीके से आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स भी आने वाले हैं इस बार, ठीक है। अगर सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी आपका पूरा बुक ओरिएंटेड है, ठीक है, आंसर के अंदर इंटरप्रिटेशन चलेगी, सब कुछ चलेगा, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, एक पोएट्री एक्सट्रैक्ट आएगा हॉर्नबिल से, हॉर्नबिल आपकी एक बुक है, ठीक है, ठीक है, एनालाइज इंटरप्रिटेशन आउट ऑफ टू फ्रॉम द बुक, ठीक है, 2 आने वाले हैं, 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक, ठीक है, 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2, 1 एक करना है, ठीक है, वो भी 3 मार्क्स का है, 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक, स्नैपशॉट से करना है, 1 4 नंबर का, ठीक है। ये इस तरीके से, यानी आपके एक्सट्रक्शन बेस, यानी आप कहें तो बेसिक बेसिक अगर मैं सीधा समझाना चाहूँ तो आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे, ठीक है, ठीक है, पैराग्राफ दिए जाएंगे और उसके आंसर करने, ठीक है। एक होता है अनसीन पैसेज, होता है सीन पैसेज, ये सीन पैसेज और सीन कंटेक्स्ट है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, 7 है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हो गए, हॉर्नबिल्स आएंगे, आउट ऑफ 4 टू बी आंसर, ठीक है, 4 में से कोई 2 करने हैं, ठीक है, टू बी आंसर इन 40-50 वर्ड, 40 से 50 वर्ड्स के अंदर, क्वेश्चन शुड बी एलिसिट इंटरफेयर रिस्पॉन्स टू क्रिटिकल, भैया आपके थिंकिंग पे बेस्ड आएगा क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है कि आपको बुक में आंसर मिल जाएगा, आपको खुद सोच के करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, स्नैपशॉट से आएगा, 1 करना है 2 में से, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा प्रॉज या पोएट्री हॉर्नबिल की, ठीक है, 120 वर्ड्स के अंदर करना है, ठीक है, और 6 नंबर का क्वेश्चन है वो, ठीक है। फिर 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा वो आपका आएगा स्नैपशॉट से, ठीक है, 6 नंबर का, और इस तरीके से मार्किंग चलती रहेगी आपकी, ठीक है, 6 3 9 9 6 15, ठीक है, 15 6 21, ठीक है, इस तरीके से पूरा बटा हुआ। अब चलते हैं आपकी बुक के अंदर कौन कौन सी, पहले तो आपकी जो बुक है वो हॉर्नबिल है, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ठीक है, फोटोग्राफ जो पोएम है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर, द स्क्रीन ऑफ टट, द सागा कंटिन्यूस, द लैमरम टॉक, द वॉइस ऑफ द रिंग, चाइल्डहुड पोएम, एडवेंचर, सिल्क रोड और फादर टू सन, ये आपके चैप्टर्स आ रहे हैं इस बार, ठीक है, ये चैप्टर आपके आने वाले हैं, चैप्टर्स भी प्रोज भी एंड पोएम्स भी हैं। नेक्स्ट है आपकी स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री जो रीडर है वो आ रही है, द समरी, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, द एड्रेस, ठीक है, मदर्स डे, बर्थ एंड द टेल ऑफ मेलन सिटी, द टेल ऑफ मेलन सिटी, ठीक है, ये कुछ कुछ जो मेलन सिटी है, ये कुछ 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 कुछ
आपका 9th क्लास के एक चैप्टर से रिलेट करता है, ठीक है, द किंगडम ऑफ फूल से, कुछ कुछ वैसा ही है सेम, क्लियर क्लास। अब आप कहेंगे सर इतना सारा आ रहा है, ठीक है, राइटिंग स्किल बिल्कुल नहीं हो गई है यहाँ पर, ग्रामर नहीं हो गई है, तो क्या करें? इसका भी जवाब देना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट जो आपके आते हैं वो इंटरनल असेसमेंट लिस्किंग स्किल 5 नंबर की है, 5 मार्क्स की आपकी स्पीकिंग और प्रोजेक्ट वर्क 10 नंबर का आता है, ठीक है, ये आपके 20 मार्क्स यहाँ पे हो गए, ठीक है, और ये आपके क्वेश्चन की मार्किंग हो गई किस तरीके से आएगी, टोटल 100 हो गए। अब आपके सवाल का जवाब भी दे देते हैं हम कि सर क्या करेंगे हम, तुम कुछ नहीं करोगे, सिर्फ कैल्विन ऐप डाउनलोड करो। क्लास 11 शुरू हो चुकी है, आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो चाहे साइंस हो चाहे तीनों के अंदर हो, भैया इंग्लिश तो कॉमन है ना, इंग्लिश तो एक ही आएगी, तो भैया क्यों जानना है जब हर एक चीज का सोल्यूशन कैल्विन है, तो हर एक स्ट्रीम के अंदर एक ही चीज कॉमन है इंग्लिश, तो वो भी जब कॉमन है तो वही वो भी यहीं पे होगी। क्लास 11 के जो कोर्सेज प्राइस है वो 3,000 से 4,000 है, और अगर आपके किसी भाई बंधु या आपने कभी कैल्विन का कोर्स लिया है, ठीक है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होने वाला भाई साहब, लाइव क्लासेस हैं, डीपीपीज होंगी, डाउट सेशन होंगे, और हर एक चीज क्लियर की जाएगी। आप जानते हैं क्लास 11 शुरू होने वाली है, ठीक है, और हो भी जाएगी, और तो और भीड़ बढ़ती जाती है, भीड़ बढ़ती जाती है, फिर आपकी कॉल्स का रिप्लाई नहीं जाता है, तो थोड़ी दिक्कत होती है, तो इससे बचने से बढ़िया है अभी आप ले लें कोर्स लें, अपनी पढ़ाई शुरू करें और दुनिया से आगे बढ़े भाई। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, फॉर्म को फिल करें और एडमिशन लेना स्टार्ट कर दें भाई साहब, क्योंकि अगर जितनी जल्दी एडमिशन लोगे उतनी ही जल्दी पढ़ाई स्टार्ट, उतनी ही जल्दी कोर्स ख़त्म, और जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा आप कर सकते हैं, ये 11th के अंदर भी आप 80 से 90% के करीब स्कोर कर सकते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन बस घुमसाड़ ना बनना कि भैया इधर जाए उधर जाए, बस एक जगह आओ और सारे सोल्यूशन पाओ। तो क्लास मिलते हैं आपसे ऐसे ही नई वीडियो के अंदर, ठीक है, एक तरोताज़ा चीज़ के साथ, तब तक ओके टाटा बाय बाय, लव यू टू गाइड, और कैल्विन ऐप को डाउनलोड करें।